गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदा, केम छो, कैसे काय। तो दोस्तों, आपने देखा कि रात को जब मैंने सोशल वाइपर का जब कॉल किया तो उस वक्त काफी रात थी और सांप भी बहुत छोटा था और उसकी उम्र तकरीबन एक महीने की होगी, लेकिन वो जहरीला तो उतना ही होता जब वो पैदा होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। और काफी छोटे होने की वजह से रात के टाइम वीडियो बनाना मुश्किल था। तो स्टूडियो में आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसको नजदीक से शूट करके दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सांप क्या करता है, कैसा करता है, कितना घातक है, इसका जहर कितना खतरनाक है और किस किस एरिया में पाया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी कोई सांप जिस एरिया का नहीं होता लेकिन उस एरिया में वो किसी के जरिए आ जाता है, या किसी के सामान के जरिए, किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं, जो रात को मैंने सांप पकड़ा था जिसको हम लोग सॉस्केल वाइपर बोलते हैं, तो ये एक भैंस का जो तबेला है उनका, एक तबेले के अंदर ये लोग क्या करते हैं, गाय भैंसों को जो चारा देते हैं और ये चारा ये लोग बाहर से मंगवाते हैं दूसरी जगह से। तो उस टेम्पो के अंदर क्या, उस चारे के ढेर के अंदर ये गलती से आ गया और जब इसको रात को मैंने देखा तो इसकी मैंने चाल से पहचान लिया, क्योंकि मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि अभी कंप्यूटर पर काम कर करके थोड़ा सा नजर का तकाजा है तो, और इसका साइज भी छोटा है, लेकिन इसकी जो चाल है वो चाल देखकर मैं समझ गया कौन सा सांप है और सही सलामत इसको मैंने पकड़ लिया। तो आपको एक बार नजदीक से दिखा देता हूं और बाद में मैं इसको शूट करके आपको पूरा इसके बारे में समझाऊंगा। तो आप फिलहाल इसको भरने में आपको दिखाता हूं, ये देखिए थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूं भरने में, और काफी खतरनाक सांप है और स्प्रिंग एक्शन की तरह यह झपट कर जो है अपने जहर को छोड़ देता है। इसके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल दूंगा, तो वीडियो में साथ मेरे साथ जो बने रहिए और हो सके तो जानकारी को जो आगे तक शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा सा सॉस्केल वाइपर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में फुरसा सांप, महाराष्ट्र में फुरसे के नाम से इसको जानते हैं। भारत देश का काफी जहरीला सांप है ये, और इस सांप की खासियत ये है कि इस सांप के अंदर चारों प्रकार का जो वेनम है इसका मिश्रण पाया जाता है, यानी चारों प्रकार का वेनम इसके अंदर होता है, हेमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक। बहुत सारे सर्प मित्रों को पता नहीं इसके बारे में, और काफी तेज रफ्तार से ये अटैक करके पीछे आता है, एक स्प्रिंग एक्शन की तरह इतने स्पीड में बाइट करता है कि कोई मतलब सोच भी नहीं सकता, पलक झपकने से पहले आपको काटकर जहर छोड़कर पीछे आ जाता है। लेकिन इसका पैटर्न आप देख सकते हैं, इसका पैटर्न काफी अलग होता है। आप इसके ऊपर जो देख रहे हैं, इसके ऊपर जो लाइनिंग्स बनी होती है, लाइनिंग्स ऊपर से लेकर पूरे शरीर के ऊपर जिगजैग जो लाइनिंग्स होती है, ये लाइनिंग्स इसके ऊपर बनी होती है, ये इसकी आसान पहचान है। और दूसरी बात है, जब भी घबराता है ये कॉइल बना लेता है, कॉइल बना के अपने आप को रगड़ता है, रगड़ कर एक आवाज पैदा करता है जिससे कि ये वार्निंग देता है। भारत देश का काफी जहरीला सांप है ये, और इसकी जो लंबाई होती है, ज्यादातर इसकी जो लंबाई होती है डेढ़ फुट के आगे बढ़ता नहीं है, और यह पथरी जो इलाका होता है, पहाड़ी इलाका होता है और खेत, यह खेत में उस जगह पर पाया जाता है जहां पर सूखी घास होती है, जैसे कोई फसल तैयार हो जाती है, फसल कटने के बाद इसकी जब कटाई होती है तो उसके अंदर यह छुपा होता है, या कटाई करने के बाद या कटाई के साथ उसके साथ यह जो है किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई दूसरे इलाके में भी आ जाता है, जैसे मुझे ये मिला था, ये मेरे एरिया में नहीं मिलता लेकिन ये एक घास के ढेर में जो है दूसरे इलाके से मेरे एरिया में आ गया था ये। तो काफी घातक सांप है ये, और सबसे ज्यादा अगर मौतें होती है भारत में तो इसी सॉस्केल वाइपर की वजह से होती है, इसी फुरसे सांप की वजह से होती है। और इसके बारे में कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि ये खेत में जब सामने दिखाई देता है किसी को, और ये जब एक रगड़ कर एक आवाज पैदा करता है, तो इसकी आवाज सुनकर सामने वाले को लगता है कि शायद इसने कुछ किस्म की कोई फूंक मारी है, या इसने मुझे छू लिया है और शायद मेरी एक महीने में मौत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी सांप जब आपको काटता है और अपने जब विष दंत जो आपके अंदर गड़ाता है और जहर आपके खून में जाता है तभी इंसान की मौत होती है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये बताता हूं कि ये जो मादा जो सांप होती है इसकी जो क्षमता होती है बच्चे देने की, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, और कम से कम 7 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा ये 12 बच्चे जो है, 12 या 13 बच्चे जो है ये मादा देती है। वाइपर की जितनी भी प्रजाति है ये लोग हमेशा जो है बच्चों को जन्म देते हैं। बहुत ही खतरनाक सांप है ये,
और कुछ लोग इसकी तुलना जो करते हैं, किसी किसी को लगता है कि ये कॉमन कैट स्नेक है और कॉमन कैट स्नेक को समझते हैं कि ये स्वास्केल वाइपर है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मेरे स्क्रीन के आप ऊपर देख सकते हो, ये स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो ये है भारत देश का जो है कॉमन कैट स्नेक। इसकी शक्ल जरूर मिलती है इससे, लेकिन दोनों में यह फर्क है। कॉमन कैट स्नेक जो होता है यह लंबाई में ज्यादा होता है, यह ज्यादा से ज्यादा 3 फुट तक मिलता है। और इसके शरीर के जो पैटर्न होते हैं, इसके ऊपर लाइनिंग जो है आड़ी टेढ़ी लाइनिंग्स बनी होती है, उसकी जो लाइनिंग्स है ये स्वास्केल वाइपर की तरह पूरे शरीर पे जिगजैग ऐसे लाइनिंग नहीं होती। और दूसरी बात, जो कॉमन कैट स्नेक है ये जो होता है ये कम जहरीला होता है, लेकिन इंसानों का अगर काट ले तो इंसान की उससे मौत नहीं होती। हाँ, अगर 1 या 2 साल के बच्चों का अगर 2-3 बार काट ले तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन इंसानों को कॉमन कैट स्नेक जो है उससे कोई खतरा नहीं है। तो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये कॉमन कैट स्नेक जो है ये स्वास्केल वाइपर, और दोनों में काफी फर्क है। हाँ, शक्ल दोनों की मिलती जुलती है, लेकिन कॉमन कैट जो स्नेक है इसकी लंबाई 3 फुट होती है और इसकी पूंछ काफी लंबी होती है। और आप जो देख रहे हैं स्वास्केल वाइपर, इसकी जो पूंछ होती है एकदम छोटी होती है, रेसर वाइपर की तरह थोड़ी सी आती है और खत्म हो जाती है, ये पूंछ ज्यादा लंबी नहीं होती। और स्वास्केल वाइपर जो होता है ये हमेशा छुप कर रहता है, खासकर पत्थरों के बीच में, उसके बाद पत्थरों के नीचे। इसकी वजह से क्या होता है, इसका आमना सामना इंसानों से कम होता है और ये इतने स्पीड में अटैक कर गायब हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक जब अपने बदन को रगड़ कर एक आवाज पैदा करता है उस वक्त समझ जाना कि अभी ये काटने के जो है इसने जो है पोजीशन ले ली है, और ये उस वक्त जोर से काट लेता है। जब ये आपको काट लेता है तो काटने के बाद आपको कम से कम 1.5 घंटा का आपको वक्त मिलता है, 1.5 घंटे के अंदर आपको ट्रीटमेंट करना है। लेकिन कभी कभी ये काटने के बाद अगर आपके समझो आपके 3 घंटे गुजर गए, 2.5 से 3 घंटे पूरे गुजर गए, उसके बाद आप हॉस्पिटल गए तो आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन जिस हिस्से पे काटा वो हिस्सा आपका कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वापस कवर नहीं होगा भले आप उसकी कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कर लो। उसके बाद दूसरी बात ये बताता हूँ आपको, कॉमन कैट स्नेक और स्वास्केल वाइपर में ये फर्क है। स्वास्केल वाइपर जो है मैंने आपको कहा पथरी इलाके में सूखी घास में ये छुप के रहता है, और कॉमन कैट जो होता है ये हमेशा पेड़ों के ऊपर रहता है, ये पेड़ों के ऊपर घूमता है, पेड़ों के ऊपर अपना शिकार करता है, कभी कभार ये नीचे आता है किसी कीड़े मकोड़े या पक्षी को खाने के लिए, नहीं तो वो ज्यादातर पेड़ पे चढ़ता है। स्वास्केल वाइपर जो है ये पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ता, ये हमेशा पत्थरों के नीचे छुप के रहता है। और स्वास्केल वाइपर का जो मुख्य खाना होता है वो होता है, सबसे ज्यादा इसका मनपसंद जो शिकार होता है वो बिच्छू। बिच्छू को ये बड़े शौक से खाता है, बड़े चाव से खाता है, और बाकी छोटे मोटे भी चीजें खाता है। कभी कभी ये जो फुल साइज का जब हो जाता है, जब तैयार हो जाता है पूरा, ये पूरा 1.5 फुट का जब पूरा तैयार हो जाता है, तो जो चूहे के जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी अभी दुनिया में जो जन्म लिया है, या कभी कभी चूहे के बच्चों की आंख भी नहीं खुलती, ये उनको खा लेता है। और मेंढक के जो छोटे किस्म के मेंढक हैं उनको खा लेता है, छोटे मोटे कीड़ों को खा लेता है, लेकिन बिच्छू जो इसका मनपसंद शिकार है, और जहर काफ़ी इसका घातक है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में जो है आपके अंदर जहर छोड़ता है। मान लो अगर जब यह पूरा तैयार है, यानी ये 2 साल के अंदर पूरा वयस्क हो जाता है, पूरा बुजुर्ग, मतलब पूरा जैसे इंसानों में अगर हम लोग बोलेंगे 22 साल 23 साल का जवान, उस तरह ये 2 साल के अंदर पूरा जवान हो जाता है। उस वक्त अगर इसने गुस्से में भी अगर किसी को काट लिया तो यह बहुत कम मात्रा के अंदर जहर छोड़ता है, 3 से 4 मिलीग्राम सिर्फ छोड़ता है, लेकिन उसमें भी हमको 1.5-2 घंटे का वक्त दे देता है वो। और कभी कभी क्या होता है कि ये इसको जहर नहीं छोड़ना होता, लेकिन इसमें फॉल्स बाइट नहीं होती, आपको ध्यान में रखना है, स्वास्केल वाइपर में फॉल्स बाइट नहीं होती, लेकिन कभी कभी लोग इसको इतना डरा देते हैं कि ये अपने रक्षा के लिए क्या कर देता है, ये काट कर दांत काट देता है, जहर भी छोड़ देता है, लेकिन उसकी जो वेनम उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। कभी कभी ये सिर्फ 1 से 2 मिलीग्राम छोड़ देता है, मतलब उसको डराना होता है, लेकिन फिर भी इसके दांत गड़ जाते हैं और जहर अंदर जाता है, फिर भी हमारे पास वो हमको 1 से 1.5 घंटे का हमको मौका दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो। जय हिंद।